हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कविता यह दंतुरित मुस्कान। इसके रचनाकार कौन है? नागार्जुन। मगर नागार्जुन का और एक नाम है यात्री। यात्री का मतलब क्या होता है? प्रवासी, जर्नी करने वाला। तो अक्सर यह अपने घर बार को छोड़कर 10-10 महीने, 12-12 महीने, 1.5-1.5 साल तक बाहर इधर उधर जर्नी में रहते थे, अपने काम काज में रहते थे। तो इनकी बीवी जब प्रेग्नेंट थी तो वैसे ही निकल गए जर्नी करने के लिए किसी काम से, तो जाकर बच्चा हो गया। फिर बच्चा होकर 9 महीने का 10 महीने का बच्चा बड़ा हो गया, तब वहाँ घर लौटते हैं। तो घर को लौटते ही अपने बच्चे की खूबसूरत यहाँ स्माइल जो है, देखो दांतों वाली जो स्माइल है, उस स्माइल को देखकर, यहाँ जो दांतों वाली दो सामने छोटे छोटे नन्हे दांत आए हैं ना, वह देखकर दंतुरित मुस्कान स्माइल देखकर यहाँ कविता लिखते हैं। छोटे छोटे नन्हे जो दांत है उसे कहते हैं दंतुरित, और मुस्कान अर्थात स्माइल। तो अपने ही बच्चे की स्माइल को देखकर कितना सुंदर लग रहा है बच्चा, कितना प्यारा होता है बच्चा, कितना लुभावना मनमोहक होता है बच्चा, इस तरह कहते हुए उदाहरण के साथ वो बताते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बात और, जैसे ही कविता समाप्त होने आएगी तो इसके पूरा भावार्थ वहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उस बच्चे की ये जो खूबसूरत स्माइल है उसे देखकर कहते हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, नन्हे नन्हे निकलते जो दांत है, जो मुस्कान है, जो स्माइल है, वह क्या कर देगी? ये जो मरने वाला है या मर गया है वह भी देखेगा इस खूबसूरत मुस्कान को। तो उसमें भी, मृतक में भी, जो मर रहा है या मर गया है, जो बीमार है ना वो या मर गया है, वह भी अगर से आंखें खोल कर देखेगा तो मृतक में भी डाल देगी जान, तो उसे फिर से जीवित कर देगी जान, डाल देगी। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी लुभावनी तुम्हारी स्माइल है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। देखिए, धूली धूसर, धूली धूसर अर्थात क्या है? मटमैला। छोटा बच्चा ज्यादातर जमीन पर खेलता है तो उसको धूल वो लगता है। तो तुम्हारा जो शरीर है, गात का अर्थ होता है शरीर, बदन, धूल ही धूसर, मटमैले रंग का। कभी कभी तो खाना खाकर भी इधर उधर खाना चिपक गया होता है तो बच्चा थोड़ा सा मटमैले रंग का दिखने लगता है दिन भर। हमेशा तो टिप टॉप मेकअप करके नहीं रहता ना बच्चा। तो धूल ही धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा ये जो शरीर है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। ऐसा लग रहा है तुम्हारे शरीर को देखकर जैसे कि छोड़कर तालाब, तालाब छोड़कर कोई मेरे झोपड़ी के अंदर, मेरा जो घर है वह झोपड़ी के समान है, झोपड़ी में ही खिल रहा है जल जात। जल जात, जल अर्थात पानी, जात अर्थात उपजना, उगना। पानी में क्या उगता है खूबसूरत? यस, कमल का फूल। तो तुम कैसे लग रहे हो? कमल के फूल के समान लग रहे हो, कमल के फूल के समान लग रहे हो। छोड़कर तालाब, तालाब छोड़कर मेरे छोटे से झोपड़ी के अंदर कमल के फूल के तरह तुम खिल रहे हो, यहाँ उग चुके हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाशा। देखिए, परस पाकर, परस अर्थात क्या है? परस का मतलब होता है स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे अंदर जो प्राण है, तुम्हारे जो प्राण है उन प्राणों का परस पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो वह जो ये जो है जल है और कठिन यह पाषाण है। पाषाण अर्थात पत्थर, कठोर कठोर, कठिन कठिन, सख्त सख्त पत्थर भी तुम्हारे स्पर्श से पिघल कर पानी बन गए होंगे। इतने कोमल, इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने मोहक हो तुम। आगे देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यह अर्थ कवि बताना चाहते हैं कि तुमसे जो भी छू गया, तुम्हारे जो भी संपर्क में आ गया, वो शेफालिका के फूल के समान टूटकर झड़ गया, नीचे गिर गया। सर, शेफालिका क्या है? शेफालिका ये एक तरह के फूल है, जिस पौधे के ऊपर, जिस पेड़ के ऊपर ये लगते हैं, उस पेड़ को थोड़ा भी अगर से जाकर आप हिलाओगे, थोड़ा भी उसे धक्का दोगे तो सारे फूल नीचे गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। मगर वैसे ही देखिए, वहाँ उसी का विपरीत, उल्टा, बांस और ये बबूल, ये बहुत कठोर तरह के पेड़ होते हैं, कठोर। कितना भी हिलाओ बांस को कुछ नहीं होता, बबूल को कुछ नहीं होता। मगर कवि बताना चाहते हैं तुम ऐसे हो कि जैसे
कि कठोर से कठोर व्यक्ति, जो बांस के जैसा व्यक्ति हो या बबूल के जैसा कठोर कठिन निर्दयी व्यक्ति हो, उसको भी तुम अगर से छू जाओ, अर्थात तुम्हारी जो स्माइल है वो उसके सामने तुम अपनी स्माइल बिखेरो, तो क्या होता है, शेफालिका के फूल जैसे झड़ते हैं, उस तरह ये जो बांस के तरह कठोर कठिन जो अड़ियल लोग हैं वो भी तुम्हारे मुस्कान के सामने पिघल जाते हैं, गल जाते हैं, तुम्हारे इस सुंदरता में वो भी तुम्हारे मनमोहक दृश्य को देखकर पिघल जाते हैं, तुम्हारे प्यार में मोहित हो जाते हैं। इस तरह वह कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कई दिनों के बाद घर को आए हैं ना कभी, तो कहते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान, प्रश्नार्थक चिन्ह देखिए, तुम मुझे पहचाने नहीं, देखते ही रहोगे अनिमेश, एक साथ टकटकी लगाकर बिना पलक झपकाए, एक टक टकटकी लगाकर, देखिए यहां पर चित्र देखिए, क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे, देखिए कई दिनों के बाद पहली बार, वैसे तो जब से बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद पहली बार वो घर को आया है, तो देखकर बच्चा बोल रहा है ये कौन है, कहकर वो टकटकी लगाकर बच्चा देख रहा है, तो वहां कभी पहचान वो कह रहे हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेश। यहां पर देखिए विस्मयादि बोधक, अनिमेश ऐसे ही देखते रहोगे टकटकी लगाकर, थक गए हो मुझे देख देख कर, कंटिन्यूअसली ऐसे ही देख देख कर, लगातार देख कर थक गए हो, आंख लूं मैं फिर, मैं ही अपने आंखें दूसरी तरफ देखूं क्या, मेरा अगर ध्यान मैं इधर कर दूं तो अपने आप तुम भी अपने अपने काम में या इधर उधर देखने लग जाओगे, ऐसा करूं क्या, इस तरह प्रश्नार्थक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या मैं अपने आंखें लूं फिर, हटाऊं मैं अपने आंखें तुमसे, हटाऊं घुमाऊं दूसरी तरफ घुमाऊं क्या, इस तरह पूछ रहे हैं। और आगे कवि कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार मैं घर को आया हूं, हम परिचित नहीं हो गए पहली बार में ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित, हम परिचित पहचान हमारी पहली बार में न हो पाए, तो कोई बात नहीं है, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, तुम्हारी मां ये नागार्जुन की पत्नी नहीं है, मैंने ऐसे एक पिक्चर लगाया है, तो वो कहते हैं यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी ना होती आज, देखिए तुम्हारी माँ और मैं और तुम, यहाँ तीन है ना, तो तुम्हारी माँ के वजह से तुम यहाँ पर इस धरती पर आए हो, और तुम्हारी माँ ही माध्यम है आज हम दोनों के बीच में, क्योंकि वही तो मुझे अब तुमसे परिचय कराने वाली है, अगर से तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनती, साधन नहीं बनती, जरिया नहीं बनती, मीडियम नहीं बनती, तो मैं न सकता देख, मैं तुम्हें देख नहीं सकता था, तुम्हारी माँ ही मेन है इसमें, क्योंकि उसी ने तो जन्म दिया है, इस धरती पर तुम्हारे तुम्हें लाया है, इतने खूबसूरत इतने प्यारे सुंदर लड़के को बच्चे को लाया है, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, मैं यह जान भी नहीं पाता कि इतनी प्यारी किसी की मुस्कान हो सकती है, सिर्फ दो दांत है मगर हंस रहे हो यार, मेरे दिल मेरा पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हो, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह प्यारी प्यारी कैसी मुस्कान, छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम धन्य हो, बच्चे को कह रहे वाओ तुम धन्य हो यार, तुम ग्रेट हो, तुम महान हो, तुम्हारी बड़ाई कितना करूं, कितनी प्रशंसा करूं, बड़ाई करूं कम है, तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, चिर प्रवासी, चिर का अर्थात क्या होता है, अधिक होता है, बहुत होता है, तो मैं तो बहुत ज्यादा प्रवासी हूँ, प्रवासी अर्थात यात्रा करने वाला व्यक्ति हूँ, ज्यादातर बाहर घूमता हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं इतर हूँ, इतर अर्थात कोई और, कोई अलग, कोई भिन्न व्यक्ति, कोई और दूसरा व्यक्ति, कोई अन्य हूं, दोनों एक ही है अर्थ शब्द, इतर का अर्थ या अन्य का अर्थ, मैं तुम्हारे लिए कोई और हूं आज, कोई अन्य हूं, आगे जाकर पहचान होगी, इस तरह कवि यहां बता रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां मां की कराती रही है मधुपर्क, बेटा इस अतिथि से, इस मेहमान से, तुम्हारे लिए तो मैं मेहमान हूं, तुम्हारा मेरा कोई ज्यादा संपर्क रहा ही नहीं, ज्यादा क्या, आज पहली बार तो संपर्क हो रहा है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तुम्हारा मेरा कोई संपर्क रहा नहीं, अब तक तो तुम्हारी माँ ही क्या करती थी, अपने उंगलियों से तुम्हें कभी शहद चटाती थी, कभी दूध पिलाती थी, कभी घी खिलाती थी, कभी दही और कभी पानी, देखिए उंगलियों माँ की कराती रही है मधुपर्क, मधुपर्क, मधुपर्क शब्द का अर्थ क्या होता है, पंचामृत भी कहा जाता है मधुपर्क को, जो खास करके पूजा के लिए जो बनाया जाता है, दही घी जल अर्थात पानी चीनी और शहद के मिश्रण से जो बनाते हैं उसे पंचामृत कहते हैं या मधुपर्क कहते हैं,
जब छोटा होता है बच्चा, दूध तो माँ उसे पिलाती ही है, मगर इस पिक्चर में देखिए दूध नहीं पिला रही है, ठीक से देखिए आप, उंगली से कई बार उसको बच्चे को शहद चटाया जाता है, शहद लगाया जाता है, चटाया जाता है, कई बार थोड़ा सा दही चटाया जाता है तो बच्चा अलग तरह से रिएक्ट करता है, कई बार उसे घी चटाया जाता है, पानी तो कई बार पिलाया जाता है, और चीनी का पानी, थोड़ा थोड़ा मीठा पानी, चीनी का पानी पिलाया जाता है। तो इस तरह अलग अलग तरह के 5 पदार्थ जो तुम्हारी माँ क्या करती थी, अपनी उंगलियों से कराती रही है मधुपर्क, अर्थात चटाती रही है वो पंचामृत। देखते तुम इधर कनकी माँ, तुम कैसे देख रहे हो मुझे, कनकी मार कर देख रहे हो, कनकी मार कर देखना एक तरह अलग से, एक तरह से ऐसा निगाह से ऐसा क्रॉस देखना, देखिए बच्चा देख रहा है, देखिए कनकी मार, तो तुम तिरछी नजर से मुझे देख रहे हो, कनकी मार कर मुझे क्या कर रहे हो तुम, नजरों से नजर देखो, आंख की कोर, कोर अर्थात एक साइड से देखते तुम इधर कनकी मार, तिरछी नजर से ऐसा देख रहे हो तुम कि ये कौन है कहकर, मैं तुम्हारे पप्पा हूं कहकर आगे वो ऐसे ही कविता में रचना कर रहे। देखो, और होती जबकि आंखें चार, जब हमारी आंखें चार होती, अर्थात जब तुम ऐसे क्रॉस होकर मुझे देख रहे हो और मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो मेरे दो आंखें तुम्हारे दो आंखें एक साथ मिल रहे हैं, चार हो रहे हैं, होती चार तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब तुम एकदम से खिल जाते, फिर थोड़ा सा स्माइल देते, तब यहां तुम्हारी फिर से मुझे दंतुरित मुस्कान दिखती, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। मुझे वहां कैसी लगती वहां मुस्कान, बहुत ही सुंदर लगती, मनमोहक लगती, छविमान अर्थात सुंदर, मनमोहक, लुभावनी लगती, प्यारी लगती, लवेबल लगती, वाव कहकर लगती, इस तरह कवि उस बच्चे का वर्णन कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करो या मत करो हाय, मगर एक कमेंट जरूर करना है, हो सके तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।